नमस्कार फ्रेंड्स, एक्सोटिक वेब मीडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित है रिचमंड कैपिटल के एमडी और सीईओ मिस्टर योगेश्वर ठाकुर, जिनके साथ आज हमारी विशेष मुलाकात है। तो योगेश्वर जी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे योगेश्वर जी के बारे में, थोड़ा सा हम बताएंगे आपको कि एग्जैक्टली योगेश्वर जी क्या है और जो रिचमंड कैपिटल कंपनी क्या है उसके बारे में हम बताने जाएंगे आपको। लेकिन पहले हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे योगेश्वर जी को। योगेश्वर जी, आप इस कंपनी में एमडी और सीईओ है रिचमंड कैपिटल कंपनी में। तो सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आप यंग हो, इतने सारे मतलब यंग एज में आपने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं, तो कौन सी एज से आपने आपकी करियर की शुरुआत की है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि मैं टेंथ में था तब से मैंने करियर की शुरुआत की थी और काफ़ी सारा मेरी जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव हुआ है। मैं बचपन में टेंथ में था तब पेपर डालते थे, मेरी करियर की शुरुआत की थी। फिर मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं था, मतलब कि जो मिलना चाहिए फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग नहीं थे कि जितने होने चाहिए। फिर वो कंडीशन को देख के मैं पेपर डालता था। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे मार्केट में जॉब किए, पोटली भी उठाया, काफ़ी सारी मतलब बहुत स्ट्रगल करके मैं ये जो मुकाम पे आया हूँ। और टेंथ में था, मेरा विजुअलाइजेशन ऐसा था कि मुझे कुछ करना है आगे, मुझे मेरे जीवन में कुछ करना है जी। तो वो देख के मैं जब छोटा था तब मैं मेरे पिताजी को बोलता था कि मुझे कार लेनी है, तो मैं ज़्यादातर पेपर्स आते उसके कार के कटिंग वगैरह मैं विजुअलाइज करता था। वो मेरे एक बॉक्स था उसके अंदर मैं रखता था कि नहीं मुझे ये चाहिए जी। आज मेरे पास 2-3 कार है जी। और फिर मैं मेरी बहन और भाई को बोलता था, जैसे हम बोलते सोने के लिए क्या बोलते उसे बिस्तर वगैरह, वहाँ पे बैठा था। और फिर मैं वहाँ पे विजुलाइज करता था कि आओ बैठ जाओ, मैं प्लेन चलाता हूँ। सो वो मोमेंट था मेरे जिंदगी के अंदर कि मैं वो चीज़ को विजुलाइज करता था। और देन अभी ये चीज़ें मैं काफ़ी सारी कंट्री में घुमा हूँ और काफ़ी सारा मतलब हर चीज़ का मैंने अनुभव किया है, हर दुख का अनुभव किया है, हर सुख का अनुभव किया हो, और काफ़ी ख़राब परिस्थिति से आगे आया हूँ। मैं स्टार्टिंग में सैलरी में आपको बताऊँ तो 2,242 रुपये थी मेरी ज़िंदगी के अंदर, और 9 साल के करियर के वो स्टार्टिंग करके आज मैं ये मुकाम पर आया जी। अभी फिलहाल मतलब ये कितने साल की आपकी जर्नी रही होगी? देखो ये है 9 साल की जर्नी है, मैंने 10वीं 10th पास किया तब से अभी तक, आज मेरी 28 की एज है जी। तो 28 की एज तक मुझे कभी भी मैंने बहुत बड़े पायनामा पे वो नहीं, कभी भी मैंने हर चीज़ के लिए संघर्ष किया और वो संघर्ष के वजह से मैं जीत गया जी। बहुत ही बढ़िया बात है कि बहुत ही कम एज में उन्होंने अपना नाम खूब ही रोशन किया है और बहुत ही बढ़िया मतलब नाम मार्केट में बनाया हुआ है, और साथ में बिजनेस में भी वो बहुत ही अव्वल है अभी, और कुछ नया भी वो करने जा रहे हैं। मतलब छोटी सी एज में उन्होंने बहुत सारा, आपने जो भी स्ट्रगल किया, जो भी संघर्ष किया, उसी की वजह से आप इतने अच्छे लेवल पे हैं आप। तो हम हमारे दर्शकों को भी यही बताना जी, चाहेंगे जी, कि अगर आप कुछ भी आप करना चाहते हो, कुछ भी आप मोटिव करना चाहते हो या तो कुछ भी पाना चाहते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष तो आपको करना ही पड़ता है। थोड़ा सा नहीं, ज्यादा संघर्ष करना जी, डेफिनेटली ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है तभी आप कोई लेवल पे, कोई मुकाम पे पहुंचते हो और अपना नाम भी बनाते हो और अपने परिवार का नाम भी रोशन करते हैं आप, और सभी के मन में एक जगह बना लेते हैं आप जी, जी। तो ऐसे माहौल में आपको मैं देख रही हूँ अभी, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी हम बात करेंगे कि जो आपकी रिचमंड कैपिटल जो कंपनी है जी, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। इसके अंदर ऐसा है मैम कि काफी सारे लोग अभी बहुत पीड़ित है जी, और काफी सारे लोगों को अभी पता नहीं है कि कैसे पैसा मिलता है और कैसे आगे बढ़ना है। तो हमारी कंपनी का उद्देश्य है, और हमारी कंपनी जो है रिचमंड कैपिटल है वो टोटली फाइनेंस वगैरह करती है, और काफ़ी सारे बैंकों से हम फाइनेंस वगैरह करवाते हैं जी।
और जो चीज है कि कस्टमर को कैसे बेनिफिट मिले, जी ये हमारा ध्यान होता है हर चीज के ऊपर। जी मतलब आप जो फाइनेंस रिचमंड कैपिटल कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है, दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर से कि रिचमंड कैपिटल कंपनी जो है वो एक फाइनेंस कंपनी है। जी हम अलग अलग बैंक से हम अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जी हम लोन लेते जी हैं, जो कॉरपोरेट बैंक हो या तो प्राइवेट बैंक प्राइवेट हो। बैंक हो उसी जी से हम लोन लेते हैं। जी तो एक रिचमंड कैपिटल एक माध्यम होगा जी जो डायरेक्टली अगर बैंक में हम लोन लेने के लिए जा नहीं पाते या तो लोन में हमको लोन लेने दिक्कत के लिए आती बार है। बार दिक्कत आती है और बार बार हमें धक्के खाने पड़ते हैं जी जी कि जी लोन लेने जाओ तो फिर ऐसा बोलते हैं कि भाई ये पेपर्स लाओ वो जी पेपर्स जी लाओ जी वैसा करो वैसा करो। तो जो इंसान लोन लेना चाहता है वो वहीं पे ही हाँ, मतलब मतलब वो उसको जा नहीं निराशा पाता हो है। जाती है, जी जा जी नहीं वो पाता जा है नहीं वो। पाता है बैंक तक, और तो वो उसी के लिए ये जो कंपनी आपकी है, मैं ऐसा जानना मतलब मैं समझ रही हूँ जी वैसे कि आप हर इंसान को आप हेल्प करोगे या जो लोन लेना चाहता है, चाहे किसी भी प्रकार की लोन हो जी तो वो आप उसको हेल्प करोगे जी और जितनी भी इजी तरह से लोन मिल जी सके जी उसी के वो आप प्रोवाइड जी करोगे। देखिए, इसके अंदर ऐसा है मैम कि अभी का जो भी जनरेशन है, ज्यादातर लोग अभी बहुत पीड़ित हैं, जी बिल्कुल और काफी सारे लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। जी काफी सारे जगह पे प्रॉब्लम्स हो रही है कि भाई जी लोन लेना है या फिर पैसा नहीं है, लड़की की शादी करनी है, किसी के जी पास से उधार ले लिया, किसी के पास से 10% के ले लिया, 20% के लिए, मतलब काफी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। वो ब्याज का ब्याज वो इंसान भरते जा रहा है और जी वो उसमें से निकल नहीं पा रहा है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात हमारा, है। और शादी है लड़की की, लड़के का पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, कैसे पूरा करे, इंसान तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा, आप जी न्यूज में हो तो काफी सारे आप जी ऐसे बिल्कुल कि बिल्कुल डेथ हो जाती है, मर जाता है, आत्महत्या कर लेता। तो ये जी सब चीज को देख के मैं, मेरी जिंदगी के अंदर ये सारी चीज देखी हुई है जी और काफी सारे लोगों के साथ ये अनुभव मैंने किया हुआ है। तो मैं ये सोच के ये चीज को यूटिलाइज करना चाहता हूँ हमारी संस्था के द्वारा। जी बहुत ही बढ़िया। अगर जो आपकी संस्था इतना अच्छा काम करेगी तो बिल्कुल ही आपको को लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि लोगों को आज ज्यादा भीड़ में जाना पसंद नहीं होता जी है, ज्यादा धक्के खाना पसंद नहीं होता है, क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल है जी उसी को देख के हम ऐसा मानते हैं कि भाई कम समय में हमारा कितना ज्यादा काम हो। जी ये एक लोगों की जरूरत भी है, जी लोगों को पैसा भी इजी मनी चाहिए, जी बट कैसे जी उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें होती होती है। है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे अभी किस प्रकार की लोन आपकी संस्था मतलब लोगों को देगी। देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि आप हर प्रकार की लोन हमारे कंपनी के थ्रू ले सकते हो, जैसे होम लोन है, मॉर्गेज लोन है, टू व्हीलर लोन है, कार लोन है, ओडी है, सीसी है। यहाँ पे हम एक कस्टमर को बेनिफिट ये देने वाले हैं कि हम कभी भी कोई भी कस्टमर के पास से कोई भी चार्जेस नहीं लेने वाले, जी ताकि वो कस्टमर हमारे साथ लॉन्ग टाइम तक रह सके। मतलब दूसरी बैंकों की जो लोन प्रोसेस है उसमें आपकी जो है वो डिफरेंट है कि आप जी लोन प्रोसेस में कोई चार्जेस नहीं जी लेंगे, जी जैसे जी कि फाइलिंग चार्ज हो, जैसे कुछ भी मतलब जी अदर अदर नॉर्मल चार्जेस जो जो चार्जेस होते हैं, होते फाइल हैं फाइल चार्जेस, फाइल चार्जेस वो तो होता ठीक है। है, वो तो जी एज पर गवर्नमेंट रूल्स और एज पर बैंक रूल्स वो देना तो देना ही पड़ेगा। पड़ता है। जी लेकिन अदर जो देखिए, काफी सारे अभी ऐसे फ्रॉड लोग आ गए, मैं सॉरी फॉर ये बोलना पड़ा है, बट काफी सारे ऐसे लोग आ चुके हैं कि जी जो कस्टमर के पास से पैसा लेने के बाद भी वो काम नहीं कर पाते, लोन नहीं दे पाते। जी तो ये चीज है कि हम कस्टमर को कैसे ज्यादातर बेनिफिट दे सके। जी जी ठीक है इसी प्रकार से मतलब आप अलग अलग प्रकार की जो लोन है वो आप सुविधा देने देंगे। वाले हैं। और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगी कि कौन सी बैंक जो है आपके साथ वो जुड़ी हुई है, क्योंकि देखिए, आपको वाया बैंक ही जाना पड़ेगा, ये आप खुद डेफिनेटली तो फाइनेंस नहीं करोगे मेरे ख्याल से। जी देखिए मैम, जी इसके अंदर ऐसा है कि हम काफी सारे बैंकों के साथ हमारा टाइप्स है अभी, और काफी सारे बैंकों के साथ हमारा टाइप चल रहा है। जी तो जितने भी बैंकों के साथ हमारा टाइप्स है वो, और जितनी प्राइवेट कंपनियों के साथ हमारा टाइप्स है, जी उन लोग सारे बैंकों और प्राइवेट कंपनी के साथ जी हम वो कस्टमर को वहां से लोन करवा के देते हैं। जी जी बहुत ही बढ़िया। अभी कंपनी
कंपनी में आपके साथ और कौन कौन जुड़ा है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये जो रिचमंड कैपिटल कंपनी जो आपकी आ रही है जी, 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 सूरत में, अहमदाबाद में तो मेरे ख्याल से ब्रांच जी, है जी, 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 बट सूरत में ये आ रही है, तो लोगों को भी पता चलना चाहिए कि इस कंपनी में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। देखिए इसके अंदर कंपनी के काफी सारे दिग्गज लोग हैं, मैं कंपनी का सीईओ हूँ जैसे मैडम ने मुझे बताया पदवी दी, और जो कंपनी का मैं मैनेजमेंट मैं संभालता हूँ, उसके अलावा हमारी कंपनी के साथ वसंत भाई पाटिल, वसंत भाई है जो पहले क्राइम ब्रांच में थे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो रिटायर है, और फिर है कंपनी के कैलाश चौहान जो पीसीबी में थे पुलिस रिटायर है वो भी, और हमारे कंपनी के लीगल एडवाइजर एडवोकेट गैमल सिंह ठाकुर, जो ये तीनों चीज जो है वो जो तीनों जो दिग्गज जो नाम है वो ऐसे लोग हैं जो हर टाइम हर समय पे हर समय की दौरान मुझे उन्होंने हेल्प किया हो, और वो कंपनी के सारे तबके के अंदर मुझे हेल्प करते हैं, और वो कंपनी को कैसे ग्रूमिंग करना है कैसे आगे बढ़ाना है वो हर चीज के अंदर वो सपोर्ट करते हैं। मतलब उनको बोल सकते कि एज एडवाइजर आपके साथ वो जुड़े हुए हैं जी, एडवाइजर भी बोल सकते हैं, कंपनी के सीईओ भी बोल सकते हैं, और काफी और मतलब मैनेजमेंट में वो है तो वो सारी चीज वो हैंडल करते हैं जी। जी आपकी कंपनी का उद्देश्य क्या है अभी? देखिए कंपनी का उद्देश्य, सारी कंपनी का उद्देश्य ये होता है कि हाँ कंपनी को पैसा बनाना है, और काफी सारी कंपनी का उद्देश्य ये होता है कि कैसे लोगों के पास से पैसा मिल पाई होता है, बट हमारी कंपनी का टोटली जो वे है वो डिफरेंट है जी। हमारी कंपनी का उद्देश्य ये है, वे ये है कि हम किस तरह से कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे पाए, ज्यादा से ज्यादा कम रेट में उनको लोन दे पाए जी। उनके एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए हम किसे उनको बेनिफिट हो सके, हम कैसे उनको हेल्पफुल हो सके जी। हमारा उद्देश्य मेन ये है जी। जी बहुत ही बढ़िया बात है कि आज के जमाने में अगर कोई किसी के लिए सोचता है तो बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल हो गया कि लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचता है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपको मैं बहुत ही बधाई देना चाहूंगी कि आप ऐसी कंपनी यहाँ पे सूरत में लाने जा रहे हो जी, जी। और बहुत ही अच्छा लोगों को बेनिफिट मिले ऐसी मैं शुभकामना देती हूँ। लेकिन आगे चलते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे कि अगर मैं कुछ लोन लेना चाहती हूँ, समझिए मैं एग्जांपल आपको पूछ रही हूँ ऐसे कि कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर लोन लेना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए सामान्य व्यक्ति जब लोन लेता है तो उसको पहले तो बहुत कठिनाई में से बाहर निकलना पड़ता है, उसे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, काफी सारी उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जीवन के अंदर जी। ठीक है तो उनको वो लोन नहीं मिल पाती, और उससे वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कंटाल जाता है, और बोलता है कि नहीं देना है मुझे लोन जी। बिल्कुल, तो हम इसके अंदर उनको प्रॉपर वे से बताएंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे नॉर्मल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, और उनको सारी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स हम लेके उनके लोन के लिए प्रोसेस करते हैं जी। अगर उनके पास सही ढंग का पेपर नहीं है, समझिए कि आपने 15 पेपर आपका रिक्वायरमेंट है, एग्जाम्पल एक दे रही हूँ क्योंकि लोगों को आसानी से पता चले। हाँ जी, जी, मैं इसीलिए ये एकदम क्लैरिफाइड क्वेश्चंस आपको कर रही हूँ कि लोगों को लोन लेने में और भी आसानी हो जाए। तो जो भी समझिए कि मुझे 10 पेपर देने हैं आपको, अगर मेरे पास उसी में से 3-4 पेपर नहीं है और फिर भी मुझे लोन लेना है तो मैं कैसे ले सकती हूँ? हाँ, इसके अंदर हम उनके हेल्प करेंगे, एज पर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से उनको डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हम हेल्प करेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से हम डॉक्यूमेंट्स बना के फिर वो आगे की प्रोसेस हम करेंगे जी। बहुत ही बढ़िया बात है, और साथ में एक कभी नया रूल्स आया हुआ है जो सभी जगह पे, अगर कोई भी कार लोन लेने जाओ या होम लोन लेने जाओ तो सभी जगह पे ये फर्स्ट पहला क्वेश्चन ये होता है कि अगर सीबीएल स्कोर जो होता है वो कम हो या ज्यादा हो तो वो कैसे फिर होता है कि अगर वो नहीं है, समझे स्कोर नहीं है तो कैसे लोन मिलेगा? देखो सीबीएल स्कोर बढ़ाने के लिए पहले तो हमें सीबीएल स्कोर को हम छोटा मोटा मोबाइल ले लिया, गाड़ी ले ली, या कुछ भी ऐसी चीजें हमने खरीद ली, ठीक है, जिससे वो सीबीएल स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद सीबीएल स्कोर बढ़ने के बाद हम उसे
लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बड़ी लोन है, होम लोन है, मॉर्गेज लोन है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर समझिए कि मैंने एक मोबाइल लिया है जी, तो उसी में कितना स्कोर बढ़ता है, और अगर मैंने सिर्फ मोबाइल लिया और मुझे 15 लाख की 20 लाख की लोन चाहिए तो भी कैसे होगा? वो नहीं पॉसिबल होगा। ये आपका जो पॉइंट है वो बहुत मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी कस्टमर्स जो मेरे जो एम्प्लॉइज है वो मुझे बताते हैं कि सर ये सीन है तो क्या करना चाहिए, क्या करेंगे फिर। तो इसके अंदर ये होता है कि मोबाइल लेने से उनको 15 लाख की लोन तो नहीं मिल जाएगी, बट ये चीज है कि उनका कहीं ना कहीं सिबिल स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, मान लो कि किसी ने मोबाइल ले लिया, छोटा सा मोबाइल ले लिया, या फिर कोई छोटी सी गाड़ी ले ली, तो एटलीस्ट उनका सिबिल स्कोर 500-800 के आसपास आता है। ठीक है, तो एज पर गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से 750 स्कोर जरूरी है। कोई भी मतलब कोई भी लोन अगर लेने जाए ज्यादा 10 लाख के ऊपर या 5 लाख के ऊपर, नहीं नहीं आप 1 लाख की लोन लोगे तो भी इतना चाहिए ही चाहिए। मतलब दर्शक मित्रों आप समझ लीजिए, अगर आप कोई भी प्रकार की लोन लेना चाहते हो तो जो एक महत्वपूर्ण जो अभी जो आया हुआ है सीबीएल स्कोर तो वो आपका मिनिमम 750 होना ही चाहिए, तभी आप लोन ले सकते हैं। तो पहले लोन लेने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका स्कोर कितना है, और अगर किसी ने कोई भी प्रकार का लोन नहीं लिया है समझिए और उसको लोन लेना है जी, तो ये स्कोर उसका है ही नहीं तो वो कैसे हो पाए? ऐसा तो अभी डिजिटल जमाना है तो ऐसा तो है ही नहीं कि किसी के पास मोबाइल नहीं होगा। 99% लोग मोबाइल खरीदते हैं, 99% के पास बाइक होती है, गाड़ी होती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है कि वो मोबाइल सीबी स्कोर के अंदर अपने आप आ जाता है, और पैन कार्ड रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। बट किसी ने कुछ लोन लिया ही नहीं है समझिए, कोई प्रकार का लोन ले ही नहीं आ रहे और अभी उसको रिक्वायरमेंट है समझिए, तो हमारे कैसे होगा? जो डेफिनेटली आपका जो सवाल है बहुत 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 बढ़िया है। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी बंदा है या बंदी है या वट एवर जो भी इंसान है उसका कोई सिविल स्कोर नहीं है, ये ज्यादातर ऐसा होता है कि ये कब होता है मैम कि जब कोई भी इंसान आउट ऑफ स्टेशन से, यानी कोई विलेज से या कोई स्टेशन से आप यहाँ पे सूरत में रहने आता है या फिर अदर प्लेस पे रहने जाता है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तब ये पॉसिबल होता है कि उसके कोई सिबिल स्कोर नहीं होता है। अदरवाइज कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसका सिबिल स्कोर ना बनाओ। बट ऐसा हो सकता है ना, आज कोई यंग एज में सपोज कि आज मैं पढ़ के बाहर निकला हूँ समझिए और मैं जॉब कर रहा हूँ, या तो पढ़ने के बाद तुरंत ही मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया है समझिए, तो अगर मैं बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है और मुझे लोन का रिक्वायरमेंट है तो यही सिचुएशन में ये हो सकता है। एक चीज है कि ये सिचुएशन में जब कोई बंदा लोन लेने के लिए आता है, जैसे आपने बताया कि वो बिजनेस स्टार्ट करा, तो कैपिटल कहीं ना कहीं लगाएगा। हाँ जी ठीक है, कैपिटल लगाएगा तो उसका रिस्क आएगा जिसके अंदर हम उसको ओडी या सीसी दे सकते हैं जी, तो वो उस चीज के अंदर उसको लोन मिल जाएगा। ओके हाँ, बट कोई पर्सन ऐसा होता है कि जो आउट ऑफ स्टेशन से यहाँ पे आया उसके कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो वो चीज तो वो जेन्युइन है कि भाई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं तो लोन नहीं मिलेगा। बट ये सिचुएशन में अगर लोन मिलेगा कि अगर कोई बंदा नया है, पढ़ के बाहर आया है, उन्होंने शुरुआत में ही बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो उसको लोन इस तरह से मतलब पेपर्स के आधार पर उसको लोन मिल सकता है। तो दर्शक मित्रों हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी मतलब आज हमने जो लोन के बारे में कैसे लोन ली जाती है उसी के बारे में हमने आज योगेश्वर जी से इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त की। तो दर्शक मित्र आपको भी बहुत ही बढ़िया लगा होगा कि हमारे चैनल के द्वारा हर टाइम हर वक्त कुछ हम नया ही आपको मतलब पिरसते हैं, नया ही कुछ कुछ लाते हैं कि आपको वो मोटिवेट भी करे, आपको उसकी जानकारी भी मिले, आप उसके बारे में ज़्यादा जाने। तो ये हमारे भी हमेशा ऐसी ही होता है कि भाई चैनल के द्वारा आप अच्छे से माहितगार हो। तो आगे बढ़ते हैं और हम जानना चाहेंगे कि आपका जो ऑफिस है मतलब ये जो आपका कैपिटल ऑफिस है उसके अंदर आप कुछ नया भी स्टार्ट कब होगा और कितने एम्प्लॉइज आप रखेंगे उसके बारे में बात। देखिए इसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि 2025 तक हम 5 लाख एम्प्लॉइज को हम हायर करने वाले हैं, और काफी सारी सिटीज है जैसे जयपुर है, उदयपुर है, बॉम्बे है, पूना है, पूना में रिसेंटली हमारा वर्कआउट चालू ही है, सूरत है, और काफी सारी जगह है जहाँ पे हम लोग एमपी है, मध्य प्रदेश है, काफी सारी जगह है जहाँ पे हमारा
लॉन्चिंग का प्रोग्राम हमारा चालू है, उसके ऊपर हम काम कर ही रहे कि किस तरह से हम हमारी कंपनी को एक्सपांड कर सके और किस तरह से कस्टमर को बेनिफिट दे सके, क्योंकि ज्यादातर आज लोग बहुत गरीब परिस्थिति में रह रहे हैं, और गरीब परिस्थिति में से उनको पता ही नहीं है। जैसे आप गांव में जाओगे तो उनको पता ही नहीं है कि लोन क्या होती है, वो ब्याज के पैसे से लेके जिंदगी निकाल रहे हैं। तो काफी सारी ऐसी चीजें जिसके वजह से हम लोग ये सोच रहे हैं कि हर एक इंसान को ये डायरेक्टली बेनिफिट मिल सके कि वो किस तरह से हमारे अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, किस तरह से हमारे उनके परिवार को वो अच्छी स्टेबल लाइफ जी सके, किस तरह से अपने परिवार को वो अच्छे लाइफ स्टाइल दे जी जी सके। जी मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को किस तरह से हेल्प कर सके और किस तरह से वो अपने बच्चों की शादी कर सके, वो सारी चीज का भी हम हमारे कंपनी के अंदर एक प्लानिंग रखा हुआ है। हमारे जो एडवाइजर, जैसे कंपनी के अंदर आओगे और कोई आपको कंसर्न मिलेगा, वो आपको आपके पूरा प्लानिंग जानेगा कि आपके फैमिली में कौन है क्या है, और उसके बाद वो आपको लोन लोन आपको जो लेना है वो तो आपको देगा ही, लेकिन उसको आपको प्रॉपर वे में बताएगा कि सर आप ये करो तो आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा आगे सकते हो। बढ़ा सकते हो जी। मतलब सूरत में ऑफिस कब से स्टार्ट होने वाला देखिए, है? ये सूरत में और पुणे में और अदर जगह पे एक साथ में ऑफिस स्टार्ट होगी, जी मार्च तक के अंदर हम ज्यादातर सिटी के अंदर ये स्टार्ट कर देंगे। जी बहुत ही बढ़िया। तो आपका वेबसाइट वगैरह भी होगा जी तो जी हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए वेबसाइट, आप तो वहां वेबसाइट जाके भी आप चेक कर सकते हैं। और हम आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी देंगे जो दोनों चीज में काम करेगा कि एक तो आपको लोन अगर लेना है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और दूसरी चीज कि आप जो एम्प्लॉय लेने वाले हो जिससे रोजगारी भी मिलेगी लोगों को, जी क्योंकि आज बहुत सारे लोग मतलब गरीब नौकरी परिस्थिति से में गरीब पे तो है ही, मतलब आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी जी है तो लोगों को परेशानियां बहुत सारी होती है। कई लोगों को जॉब से भी निकाल दिया गया है, हाँ अगर उनको जॉब भी चाहिए तो आपकी कंपनी उनको दे सकती है। जी तो जी आप पहले तो हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, 09265734871। एक बार मैं वापस आपको बोल रही हूँ, हेल्पलाइन नंबर 09265734871। तो ये है रिचमन कैपिटल का हेल्पलाइन नंबर। हम आपको वहाँ पे फेसबुक पे भी हम आपको वो नंबर मतलब लिख देंगे, जिस तरह जी से जी आपको एम्प्लॉय अगर यहाँ पे अभी नोट नहीं किया है तो आप वहीं से भी ले सकते हो। इसके अंदर ये बोलना चाहता हूँ, एम्प्लॉयज के अंदर हम ये बेनिफिट हम देने वाले हैं, जिस तरह जी से 5 लाख एम्प्लॉयज को हम लेने के तगार में ही है, हम ले गए ही उनको, जी 2025 तक पे 5 लाख एम्प्लॉय हमारे होने चाहिए, जी तो हम वो बेनिफिट देने वाले जो पहले हमारे पिताजी को मिला करती थी, जी जिस तरह से वो कुछ साल हमारी कंपनी के साथ रहेगा तो उनको कुछ गाड़ी घर मतलब काफी सारे ऐसे बेनिफिट मिलने वाले हैं कि सपोज वो हमारे साथ कंपनी के साथ जुड़ता है, लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ रहता है, हमारी कंपनी के साथ जुड़ता है रहता है और काम करता है, जी तो हमें उसे एक पेंशन की जैसे सुविधा भी हो सके तो जी प्रोवाइड कर सकते हैं, जी और हो सके तो हम उन्हें एक ऐसी कैपिटल देंगे कि वो रिटायरमेंट के टाइम पे जी अपने लाइफ अपने फैमिली को जी आराम से सिक्योर कर सके। जी जी बहुत ही बढ़िया बात है। अगर ऐसी सब लोग ऐसा ही सोचने लगे तो ये देश बहुत ही आगे बढ़ सकता है। तो योगेश्वर जी आपने बहुत ही अच्छी हमें जानकारी दी और बहुत ही बढ़िया है, लोगों को माहितगार किया, ये लोन के बारे में बताया, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड सो मच आपको बहुत ही अभिनंदन भी देती हूँ कि जी आपका कंपनी जल्दी से शुरू हो जाए और हम भी उनका बेनिफिट ले, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।